मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। सड़क पर मवेशी पड़े थे, मऊगंज में मोटरसाइकिल फिसली, युवक गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल उपचार के लिए लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक रायपुर कचुड़ियां का रहने वाला था। मऊगंज में सड़क पर मृत मवेशी पड़े थे, मोटरसाइकिल फिसली, इलाज के दौरान युवक की संजय गांधी में हुई मौत। युवक रायपुर थाना करचुलियान का रहने वाला था। दो युवक आदित्य साकेत, पिता शक्ति साकेत, उम्र 23 साल, अपने दोस्त के साथ अपने गांव रायपुर करचुलियान से मऊगंज जा रहे थे। जैसे ही दोनों युवक मऊगंज के पास पहुंचे थे, उसी दौरान कुछ दिन पूर्व सड़क पर किसी अज्ञात वाहन ने मवेशियों को जोरदार ठोकर मारी थी, जिससे मवेशियों की मौत हो गई थी। मवेशी के शरीर सड़क पर पड़े हुए थे, प्रशासन ने उनको सड़क से नहीं हटवाया। इतना भी नहीं समझा कि अगर इनको हम किनारे नहीं करेंगे तो कोई भी इनसे टकरा सकता है और कोई कैजुअल्टी हो सकती है। उन्हीं मवेशियों के शरीर पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चढ़ गई और फिसल गई, जिसकी वजह से दोनों युवक मोटरसाइकिल से गिर गए। पीछे बैठे युवक को मामूली चोट आई, वहीं मोटरसाइकिल चला रहे युवक आदित्य साकेत को गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां पर उसको उपचार भी ठीक से नहीं मिल पाया, ऐसा कहना मृतक के भाई का। डॉक्टरों ने ठीक तरीके से उपचार नहीं किया, यही नहीं वार्ड में लाइट न होने की स्थिति में ऑक्सीजन को पंप करके देने का काम भी मृतक के परिजन ने किया। जब डॉक्टरों से उन्होंने उसकी स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। परिजन चाहते थे अगर इलाज के लिए बाहर भी ले जाना पड़ा तो हम ले जाएंगे, लेकिन उनको डॉक्टरों की तरफ से संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन की ओर से भारी मायूसी झेलनी पड़ी। युवक की मौत हो गई। अस्पताल की पुलिस चौकी में 2/23 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। हमारी टीम ने पोस्टमार्टम रूम में मौजूद मृतक आदित्य साकेत के परिजन से बात की। निराश हताश परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए और सोचिए जरूर। पहली लापरवाही, सड़क पर पड़े मवेशियों को, मृत मवेशियों के शरीर को किनारे न करना, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल फिसली, दोनों युवक दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत हो गई, एक सकुशल। वहीं संजय गांधी अस्पताल में बेहतर इलाज ना मिलने का एक वजह भी मानी जा सकती है। सुनिए मृतक का भाई क्या कुछ कह रहा है। हाँ बताइए। मेरा नाम नीरज साकेत है, रायपुर का रहने वाला हूँ। मेरे भाई का एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। एक्सीडेंट हुआ है वहाँ मऊगंज में, ये अचानक से वाहन वाहन के चलते हुआ है और गाय के वो एक्सीडेंट हो गया था, तो उस चलते वो गाय को हटाया नहीं गया, इस कारण वो देख नहीं पाए, आधा गाय की शरीर भी वो हो गया था इधर उधर, तो अच्छे से दिख नहीं रही थी, इस चलते वो वाहन जो चला रहा था देख नहीं पाया, तो एक्सीडेंट उसी में कर दिया, तो ज़्यादा वो हो गया, तो वहाँ ले गए मऊगंज में, तो मऊगंज में वहाँ नहीं हो पाया, फिर वहाँ से रिफ़र कर दिया संजय गांधी में, तो यहाँ देखा गया। बस यहाँ तो ज़्यादातर यहाँ डॉक्टर भी अच्छे से देखते नहीं हैं, डॉक्टर लोग यहाँ से वहाँ बस बताते, कोई कुछ बताते भी नहीं, तो क्या कैसा है कोई देखने भी नहीं आता, तो बार बार बोलने तब देखने आते थे, वो भी बताते नहीं तो क्या कैसा है, ये नहीं तो अगर ज़्यादा गंभीर हो तो बता दे, तो दूसरी जगह रिफ़र करवा दें, हम लोग बोल भी रहे थे रिफ़र कराने के लिए भी नहीं कह रहे थे, तो ऐसा करो ऐसा करो। कब एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ 30 तारीख को है, 9 बजे मऊगंज में हुआ है, दिसंबर। हाँ, फिर वहाँ से सीधे 11 बजे तक में यहाँ पहुँच गए, 11:30 तक में, तो यहाँ जो हुआ तो सर्जरी, फिर वहाँ ICU में ले गए। यहाँ तो कुछ व्यवस्था भी नहीं है ऑक्सीजन के लिए, तो लाइट भी वो नहीं, हम लोग खुद हाथ से पंप किए हैं ऑक्सीजन के लिए। आपका नाम? नीरज साकेत, रायपुर का रहने वाला। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।